गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ ना, एक बहुत मस्त जगह पे आया हूँ भाई। फाइनली एक मतलब कि एक दादेली बावड़ी थी इधर भाई, फाइनली वहाँ पर आया भाई। इतनी बड़ी है ना वो नदी कि भाई क्या ही कहूँ। और भाई इतने मजे की जगह है ना भाई, वहाँ का जो मौसम है ना वो भी बहुत ठंडा है। और भाई ये एक नदी है ना, दो मंदिर के बीच में आ गई। इस साइड खेतला जी का मंदिर है और इस साइड श्री हनुमान जी का मंदिर है भाई। दोनों के बीच में नदी आई है भाई। इतनी इंटरेस्टिंग नदी है ना कि मैं आपको बताता हूँ भाई। थोड़े से अपन अभी रास्ते में है, मतलब कि भी बहुत आगे है, नदी बहुत आगे है। तो भाई अपन जाते हैं फटाफट से भाई, देखते हैं कि नदी कैसी लगती है और कैसे नहीं दिखती भाई। और भाई बहुत ज़्यादा से इधर पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं भाई, बहुत ही बड़े, समथिंग डिग्री होगी आपको, मतलब बहुत ही सामने देख सकते हो। इतनी बड़ी नदी है ना, तो भाई उस नदी के पास में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे लग रही है नदी और कैसे नहीं दिखती, लग रही है दिखती कैसे हो भाई। देखते दिखाई दे भाई, देखो अगर झाड़ी भाई, बारिश का मौसम था ना अभी, सितंबर में लगभग बारिश होती है। तो ये अपन जाते हैं आगे की साइड, मतलब कि कुछ भी हो भाई, इतना मस्त है ना भिनमाल कि क्या को। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो जालौर है। और भाई जो क्या ही कहे भिनमाल की बात भाई, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे और यहाँ पर इतना घूमने का है ना, ये क्या ही बोलो भाई। इतना मतलब बहुत तो अच्छी अच्छी हवा आती है भाई। और यहाँ का ऊपर से व्यू देखेंगे कि कैसा दिखता है। यहाँ पर कोई एक हो गया। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे। और भाई अपन ऊपर से व्यू देखते हैं कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं, मतलब कि ऊपर व्यू बहुत अच्छा होगा। फाइनली मुझे तो एक ही सजेस्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ेंगे ना अपन तो भाई व्यू देखते हैं, मतलब कि बहुत ऊपर जाएंगे, मतलब कि सबसे ये देखो व्यू आ चुका है सामने में, इतना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे अपन, ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा आता है भाई। फाइनली हम गेट खोलते हैं, थोड़ा सा आगे के जाने के बाद में भाई, इसके ऊपर जाने के बाद में देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा दिखता है। चलते भाई गेट खोल दिया भाई, भाई हम ऊपर सीढ़ियों पर जा रहे हैं भाई, ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा आ रहा है। तो कुछ ऊपर से मतलब हवा बहुत तेज आ रही है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है भाई। देख रहे तो ऊपर से इतना ऊपर चढ़े है ना, ऊपर का जो नदी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। फाइनली पोस्ट तो ये है देखो, मतलब कि मैं इतना ऊंचा हूँ कि डर लग जाए। फाइनली भाई ऊपर से पूरा भिनमाल दिख रहा है, मतलब इतना ऊंचा हूँ मैं भाई। फाइनली अब हम आ जाके आ चुके एक बस है उनकी माता। तो भाई तो जो नदी में बोला था उसमें ना मोस्ट टेम्पल है वो रहा जो खेतला जी का है, और जो यहाँ पर है वो हनुमान दादा का है मंदिर है भाई। ये जो नदी है ना वो इतनी बढ़िया, देख लो पानी चल रहा है अभी, नदी बहुत बड़ी है। और इसके बीच में ये जो वायरिंग देख रहे हो ना, इसको बम्पिंग जिम करने के लिए यहाँ से लोग हैं भाई। कैसा लग रहा है व्यू, समझ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई इस साइड सबके घर दिखे और यहाँ सब जगह हरियाली हरियाली है, मतलब बहुत ज़्यादा खेत है। और समथिंग यहाँ से और खेतला जी की जो दूरी है वो समथिंग 500 मीटर के आसपास होगी, मुझे ये लग रहा है। तो भाई यहाँ से जो है वो रोड जा रहा है, तो यहाँ से समथिंग बोरा खेतला जी का मंदिर भाई, खेतला जी का मंदिर भी बहुत अच्छा है, देखो सामने दिख रहा ही होगा, इतना अच्छा मंदिर है खेतला जी का, क्या बोलूँ। सामने सामग्री माता का दर्शन, ओ भाई वहाँ सामने नीलकंठ महादेव मंदिर दिख रहा है जो कि भाई देख सकते हो। और यहाँ से कोई मैंने आके वीडियो लिया है, वो आप वीडियो को देखो। तो भाई इतनी तेज हवा चल रही है ना, क्या क्या बोलूं
आगे कुछ कहने को सब नहीं है, मतलब कि इतनी तेज हवा चल रही है भाई, फाइनल बहुत हवा तेज है, तो भाई फाइनल इसकी ऊंचाई है ना वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि देखते हैं हम कितने ऊंचे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है भाई, इसको पकड़ लेते हैं भाई, फाइनल ऊंचाई तो देखो इसकी तो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसकी, समथिंग 4th floor तक तो ऊंचाई शायद तक, भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए, भाई देख सकते हो कितनी ऊंचाई है यहाँ पर भाई, वहाँ पर सामने पूरा जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इधर से, मतलब इधर ही बैठ के इतना अच्छा व्यू है ना, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और एनिमल्स की आवाज़ आ रही है भाई, कि इतना अच्छा व्यू है भाई, इतना ऊंचा है ना ये कि क्या बोलो, इतना ऊंचा है मतलब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर तो कोई नेट नहीं, इसको मोस्टली पकड़ लेते हैं अपन, और भाई देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ी जा रही है और यहाँ से अपन आए थे, और भाई देखो वो रही सामने नदी भाई, पानी है ना वो बहुत ग्रीन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, और यहाँ से देखो बाइक बस जा रहे हैं, बाइक सॉरी, तो भाई देख सकते हो कैसा लगा आपको इस बार, तो भाई फाइनली बताओ कमेंट बॉक्स में जाके कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और अभी अपन जा रहे हैं नीचे की साइड में, और भाई देखते हैं नीचे जाते हैं, मतलब यहाँ से कितना ऐसे मतलब कि पूरा जो मंदिर है ना वो ऊपर से अच्छा दिख रहा था, फाइनली अभी अपन जा रहे हैं एक नदी जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ना कुछ जगह जाते हैं, और वहाँ से देखते हैं नदी के पास जाते हैं, वहाँ पानी को टच करते हैं, दूसरा करते हैं, देखते हैं कि कैसा है वहाँ का व्यू, नीचे से भी व्यू कैसा दिखता है, तो भाई फाइनली अपन नीचे आ चुके हैं, और भाई अभी जा रहे हैं ना यहाँ से देखते हैं, मतलब कि साइड वहाँ पर भी एक गार्डन है, बहुत पार्क है बहुत बड़ा है वहाँ पर भी, तो जाते हैं आगे और देखते हैं कैसा है, गाइस फाइनली अपन सीढ़ियों पे आ चुके हैं, और भाई देखते हैं नीचे के जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है, मतलब यहाँ दाना भी दिया जाता है भाई, मैं लेके आना भैया वरना लेके आते, भाई देख सकते हो पानी कितना ग्रीन है एकदम, इसकी ऊंचाई हो गई, एक सीढ़ी यहाँ दिख रही है, फिसल ना हो तो वो देखते हैं पानी कैसा है भाई, फाइनली पानी है ना वो थोड़ा कठिन साफ नहीं है, इतना साफ नहीं है पानी, और भाई वो मंदिर है ना वो पूरा डूबा हुआ है, देख सकते हो पीछे की साइड है वो पूरा ऐसा अंदर है मंदिर, और सामने ये तो है बंपी चंपी वाला का पूरा, भाई यहाँ पर जो है ना सीढ़ियाँ लगभग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर 3 से 4 सीढ़ियाँ अंदर की साइड है, पानी के अंदर दिख रहा है सामने हमें, तो मतलब कलर 2 सीढ़ियों के साइड पर नहीं है, वहाँ टाइल्स भी नहीं है, मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और यहाँ से व्यू है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई नहीं इस टाइम इधर, इतना सन्नाटा है ना मतलब कि क्या कहूँ, कोई नहीं है इधर जैसे कि, और भाई इतना पानी ना ये एक अलग ही है व्यू, मतलब कि इस व्यू का जो है ना वो अलग ही व्यू है भाई, फाइनली इतने बड़ा है ना व्यू, ठीक है यहाँ पर व्यू देखने का बहुत मज़ा है, तो भाई जो भी आए भिनमाल में वो जाके इस व्यू को मत देखना भूलना, व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा, और यहाँ वॉकिंग ज़्यादा है भाई, फाइनली यहाँ से व्यू है ना वो बहुत शानदार लग रहा है, कत के तो मतलब कचरा भी बहुत ज़्यादा है ऐसे, गंदगी देखें तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो भाई जो व्यू है वो सबसे अच्छा दिख रहा है मुझे फाइनली, भाई यहाँ पर कुछ एक जो दादेली बावड़ी कहते हैं जल है तो काल है, मतलब कि वो एक नदी है जहाँ से इधर पानी दूसराता है, तो उस नदी को देखते हैं, तो ये कुछ यहाँ से मतलब कि लॉक है अपन बाहर से देखते हैं, तो भाई फाइनली ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रही है, मतलब देखते हैं अपन भाई इतना है ना, मतलब कि पेड़ दूसरे कुछ इस टाइप में लग रहा है इधर तो, भाई फाइनली इतना है ना मतलब कि पानी अंदर तक नहीं है, और ये भाई बहुत बड़ी है, मतलब कि पक्षी और ये बहुत ज़्यादा है यार, कोई है भाई इतनी आवाज़ मतलब दे रहे हैं ना कि कोई एकदम, इतना पानी दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर भाई, कितना पुराना है समथिंग ये 1980 के आसपास होगा, 1946 या तो 1946 के, मतलब कि इतना पुराना है ना कि देख सकते हो इसके स्टम और ये सब कुछ, क्योंकि इतना ओल्ड है ये, मुझे यही लग रहा है,
मतलब कि समथिंग, ये दीवार जो बनी है ना ये नया बनी है, वी न्यू बनी है, बाकी ये सब पुराने। मतलब कि देखो इन्हों के झाड़ आने तक के स्टार्ट हो चुके हो भाई, वहाँ पर पीपल के पे सब कुछ। पर तो एक्सरसाइज के लिए कुछ लगे हुए हैं यहाँ पर भाई, देख सकते हो कि दादीली बावड़ी है ना वो कैसी लगी, तो बताओ फटाफट से कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई। इतना बढ़िया है ना यहाँ पर, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ये भी है भाई। इतना ऐसा व्यू है ना जो वो बहुत शानदार है, तो आप देख सकते हो फाइनली। तो भाई फाइनली अभी अपन इधर से जाते हैं, यहाँ से देखते हैं नदी कैसी दी। फाइनली गेट खोलते हैं और चलते हैं ऊपर। तो भाई देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा लग रहा है, मतलब अभी जहाँ पर खड़े ना वो नदी के जस्ट पास में, कि यहाँ से नदी पास में है तभी। तो देख सकते हो गाइस कि अपन जस्ट है ना वो भी नदी के पास में, भाई वो था थोड़ा नदी से दूर था भाई, ये नदियों के जस्ट पास में सीढ़ी है फाइनली। और भाई इधर भी हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग।